तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। म्यूजिक हेलो गाइज, अगर आपको स्टेटस पसंद आया और आप इस तरीके का स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको BN एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। बाकी गाइज फिर भी पसंद आया तो यार वीडियो को भी लाइक कर देना, और अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम इस चैनल की इस बहुत सारी वीडियो लेके आते रहते हैं जिन्हें आप देख कर मजे ले सकते हैं और अपने स्टेटस को क्रिएट करके इंस्टाग्राम रील्स या फिर किसी भी शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। तो BN एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तब कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली कहते हैं यहाँ से आपको क्या करना होगा, स्किप कर देना होगा और यहाँ से नीचे आना होगा, प्लस का आइकॉन मिल जाता है, यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना होगा, उसका न्यू प्रोजेक्ट ले लेना होगा। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आपको अपने फोटोज को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से फोटो वाले सेक्शन में आता हूँ और जिस भी फोल्डर में आपको फोटोज हैं आपको उस फोल्डर में चले जाना है और यहाँ से आपको फोटो को सिलेक्ट करना है जिनसे आप स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं। गाइस यहाँ से आपको सिर्फ 12 फोटोज को सिलेक्ट करना है, तो गाइस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली गाइस यहाँ से मैं कुछ फोटो को सिलेक्ट करने वाला हूँ, आपको भी कर लेना होगा, तो अपने हिसाब से आपको कर लेना है। तो यहाँ से गाइस मैंने 12 फोटो सिलेक्ट कर लिए हैं, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, कर लेता हूँ ठीक है। उसके बाद यहाँ से एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बैक आ जाना है, तो इस तरीके से आपका सारे फोटोज आ जाएंगे। ये आपको लास्ट में ब्लैक स्क्रीन मिलेगी तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको बिल्कुल शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद गाइस यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ऊपर से तीसरे पहले म्यूजिक का है, टेक्स्ट का, फिर उसके बाद इस वाला ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके फोटो एंड वीडियो पे जाने के बाद यहाँ से आपको एक ब्लैक स्क्रीन फोटो को सिलेक्ट करना होगा। तो गाइस यहाँ से आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है मटेरियल का, आपको इस पर क्लिक करना है, ब्लैक स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है ठीक है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद इसकी लेंथ को आपको बढ़ा देना है, समथिंग रख देना है 6 सेकंड ठीक है। तो मैं यहाँ से रख लेता हूँ, तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको शुरू में आना है। शुरू में आने के बाद क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको सबसे पहले एक वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, लिरिक्स वाली वीडियो ठीक है, उससे हम म्यूजिक को निकालने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, यहाँ से म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, म्यूजिक पर जाना होगा और यहाँ से हैशटैग साउंड फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करना होगा। अब गाइस जहाँ से आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपको म्यूजिक देखने के लिए मिल जाएगा, इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप उस वीडियो का म्यूजिक निकाल सकते हैं, जो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इस वीडियो का आपको म्यूजिक निकालना है। तो सिंपली यहाँ से मैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले जिसका म्यूजिक हमें निकालना होगा। तो यहाँ से मैं नीचे आता हूँ, ये वाली वीडियो है, इसका म्यूजिक मैं निकाल लूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद इसका म्यूजिक निकल जाएगा और सबसे ऊपर ही आ जाएगा। उसके बाद चूज पे क्लिक करना है, इसका म्यूजिक को आपको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आ जाना है। तो गाइस यहाँ से आपको इसका म्यूजिक देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जहाँ तक बीट है वहाँ तक आपको ब्लैक स्क्रीन को रखना है, जैसे यहाँ तक मैं रख लिया है। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको फोटो को ऐड करना होगा, तो गाइस बीट के हिसाब से आपको फोटो को एडजस्टमेंट करना होगा। तो सबसे पहले आपको फोटो को दोनों उंगली से कर लेना है जिससे आप फोटो को एडजस्टमेंट कर सकें। पहले फोटो को यहाँ तक कर देना है, दूसरे फोटो को यहाँ तक करना है आपको, ये बात आपको बीट के हिसाब से कर लेनी है। डिलीट कर देना है, जो भी फोटो हमने ज्यादा सिलेक्ट कर लिया हम इनको डिलीट कर देते हैं। तो गाइस बाकी फोटो को मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको शुरू में, तो गाइस यहां से आप देख सकते हैं हमारे सारे फोटो हमने बीट के हिसाब से मैच कर लिए हैं। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लगाना होगा अपने फोटोज में इफेक्ट ठीक है। तो इफेक्ट को कैसे लगाना है, तो पहले फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाना और यहां से आपको एक इफेक्ट लगाना है जूम आउट का। सिंपली आप इसे लगा सकते हैं और इसकी लेंथ को आपको इस तरीके से बढ़ा देना है, जितना भी आप रखना चाहें उस हिसाब से बढ़ा देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ से अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो पहले जो बैक लेग स्क्रीन है आपको सिलेक्ट करना होगा, इफेक्ट्स में जाने के बाद इसको आपको नन कर देना होगा ठीक है गाइस, क्योंकि इस पर भी ये इफेक्ट लग जाएगा। अप्लाई टू ऑल मैंने इसलिए किया क्योंकि सब पे एक ही बार में लग जाएगा, वरना आपको अलग अलग लगाना पड़ता। उसके बाद दूसरे फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से आपको चेंज करना होगा, इसका आपको करना होगा जिटर राइट, देख सकते हैं आप यहाँ से जिटर लेफ्ट ठीक है, इसको आपको फुल कर देना है। उसके बाद पहले फोटो को रहने देना है, दूसरे फोटो पर आपको ये रहने देना है,
इस पर क्लिक करना है, एफएक्स में जाना है और यहाँ से आपको जिटर राइट लेफ्ट सॉरी कर देना है। उसके बाद बैक आना है और इस वाले फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से एफएक्स में जाना है, अल्टरनेट आपको कर देना होगा, इस पर आपको कर देना है जिटर लेफ्ट। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ से ही अप्लाई टू वाले इसलिए किया क्योंकि अब हमें हर फोटो के बीच बीच में बोनिंग लगाने पड़े जूम आउट वाला, सिर्फ जिटर राइट लेफ्ट लगाना पड़ा, वरना हमें पहले जिटर लेफ्ट लगाना पड़ता फिर जिटर राइट लगाना पड़ता फिर गाइस यहाँ से जूम आउट भी लगाना पड़ता, तो इसलिए गाइस हमने यहाँ से कर दिया। अब गाइस यहाँ से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक यहाँ से इफेक्ट वाली वीडियो को ऐड करना होगा। तो गाइस ऊपर की तरफ तीन ऑप्शन मिलते हैं, म्यूजिक टेक्स्ट और फोटो वीडियो का, आपको उस पर क्लिक करना होगा, फोटो वीडियो क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको एक वीडियो को ऐड करना होगा। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद मैं इफेक्ट वाली वीडियो को ऐड कर देता हूँ, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसे सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं यहाँ से इसे ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ से मैं इस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से ये देख सकते हैं आप वीडियो आ चुकी है। आपको इसे क्या करना है, इस तरीके से फुल स्क्रीन कर देना होगा। ठीक है, यहाँ से हमारी वीडियो फुल स्क्रीन हो गई है, आपको भी कर देना होगा। अब गाइस आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, इस तरीके से करना होगा रोटेट, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का, आपको इस पर क्लिक करने के बाद इसको आपको स्क्रीन कर देना होगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, देख लीजिए गाइस इस तरीके से आपकी वीडियो आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको देख लीजिए गाइस यहाँ से आपको 9:16 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, इसी में आपका शेड अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, इसी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर से मैं इसी ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, फोटो एंड वीडियो पर जाना है, जिस वीडियो को हमने म्यूजिक निकाला था उसके लिरिक्स भी हमें लेने हैं, तो लिरिक्स को मैं ऐड कर लेता हूँ अब, तो आपको भी ऐड कर लेना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से वीडियो आ चुकी, सिंपली आपको इस तरीके से बड़ा करना होगा, कर दिया है। वीडियो क्या करना है, आपको जहाँ से ब्लैक स्क्रीन ख़त्म हुई है वहाँ से आपको इसे ट्रिम कर देना है, तो मैं यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ। उसके बाद आपको इसे सिलेक्ट करना होगा, इस तरीके से आना होगा, ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना होगा, ओके पे क्लिक करने के बाद बैक आ जाना है, दूसरे वाले पार्ट को क्लिक करना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करना होगा, इसको भी दूसरे वाले पार्ट को, और इसको भी आपको स्क्रीन कर देना होगा। तो गाइस देख सकते हैं आप लिरिक्स लग चुके हैं और काफ़ी अच्छा आपका शेड क्रिएट हो चुका है। दूसरे वाले जो पार्ट है जिस हमने इसको आपको सिलेक्ट करना है और इस तरीके से नीचे ला के लगा देना है। बस गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका शेड्स क्रिएट हो चुका है। चलिए गाइज मैं आपको चला के दिखाता हूँ, बाकी आपको एक्सपोर्ट कर लेना है।